माइकर्स मेरा भाई यूजर को मार के गलत किया तुमने। सर हमारे जासूस 24 घंटे माइकल पे नजर रख रहे हैं। बस सही टाइम का इंतजार करो और बूंद डालो उस माइकल के बच्चे को। अगर तुम से नहीं होता है मैं खुद लॉस सैंटोस ना के उसकी बैन बजा दूंगा। प्रेसिडेंट एयरपोर्ट पर आ चुका है, जैसनी ऑर्डर दू हेडशॉट मार के गेम ओवर कर देना प्रेसिडेंट। उसके बाद लॉस सैंटोस पे हमारा इलाज होगा। यहाँ बहुत बुरी गड़बड़ नजर आ रही है, जल्दी से आ जाओ। कैसी गड़बड़? कुछ लोग यहाँ राइफल एचके M27 लेकर आ रहे। वेट करो मैं आ रहा हूँ वहाँ। Hey guys, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो यार हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5 guys। तो यार आपको लास्ट एपिसोड याद ही होगा यार, लास्ट एपिसोड में आप लोग ने देखा हम लोग ने यार बहुत खतरनाक वाले भाई फाइट किए, मतलब क्या ही बोले। तो हम लोग ने यार गाइस खतरनाक वाली ना भाई मिलिट्री में से जाके हाईटेक वेपन्स चुराए एंड बहुत कुछ किया। और ना गाइस ये जो मेंशन आपको दिख रहा है, मैंने ट्रेवर को किडनैप करके रखा था, आपको पता है ट्रेवर जो है ना वो टकगन से मिला हुआ था, बट मैंने ना उसको पकड़ लिया, मतलब वो मेरे पास खुद आया एंड उसने मुझे सारी लोकेशन बता दी, बट मैंने उसको अभी भी जेल में बंद करके रखा है। और मैंने उसे आपको बोला था कि या उसको छोड़ना है क्या, उसको जेल में बंद करना है जो मेरा सीक्रेट बनकर है ना वहाँ पे। तो आप लोग ने बोला उसको छोड़ दो, तो यार उसको हम लोग छोड़ देंगे। और हाँ गाइस सभी को बिग शॉट आउट यार, जिसने भी गाइस पिछले वाले वीडियो में चेक पॉइंट सारे टाइप किए थे, मैंने सिर्फ एक ही चेक पॉइंट दिया था बट तुम लोग ने सब लोग टाइप किया, तो यार सबको वेरी वेरी थैंक्स यार, सभी का वेरी वेरी थैंक्स एंड सबको बड़ा वाला शॉट आउट यार। अभी सबके नाम लूंगा तो बहुत बोरिंग दिखेगा। और इस वाली वीडियो में मैंने 4 चेक पॉइंट दिया, तो सब लोग जरूर लिख देना। और गाइज इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, क्योंकि ना यार आप लोग देखो मैं आपको दिखा दो कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है, तो यार जरूर करना। और यहाँ पे ना हमारा ये देख सकते हो आज हमारी मीटिंग हुई थी यार, यहाँ पे जितने भी हमारी सिक्योरिटी है ना, निंजा सिक्योरिटी, मॉन्स्टर सिक्योरिटी और ये वाली SPG सिक्योरिटी, और अभी फिलहाल में जो मैंने NSG सिक्योरिटी बाई की है जो कि भाई खतरनाक है। तो यार हम लोग अभी डिसाइड किया, हम लोग ने बोला कि देखो मेली भी मेंशन पे जो है ना NSG सिक्योरिटी रहेंगी, और ये वाले मेंशन पे जो हमारी ये SPG मिस्टर के वाली सिक्योरिटी, और सिगरेट बनकर पे ना हमारी निंजा सिक्योरिटी तो है ही, और मॉन्स्टर सिक्योरिटी हमारे जो ओल्ड हाउस है, मतलब अपना हाई फील्ड वाला मेंशन है ना, जो सबसे पहला जो मेंशन मैंने बाय किया था, आपको याद नहीं तो जाके ज़रूर देख लेना वीडियो, जो हाई फील्ड वाला मेंशन है जो कि भाई इतना टॉप के ऊपर बना है ना, मतलब ज़्यादा ही टॉप पे, वहाँ पे मैंने वो वाली सिक्योरिटी लगाई है। तो आप लोग बताना आप मैंने सही किया या नहीं किया, हमने सबने डिस्कस तो किया है, तो आप लोग एक बार चैट में ज़रूर बताना एंड फिर हम लोग वो चेंजेस करते हैं। तो यार ये देख रहे हो यहाँ पर ना ये वाले मेंशन पब्लिक है, मतलब यहाँ पर कोई भी पब्लिक आ सकती है, मतलब पैसा देके, ठीक है ना, ऐसा कोई भी नहीं आ रहा है। ये वाला मेंशन डगन बॉस का है एंड ना ये मेंशन बहुत बड़ा है गाइस, एंड यहाँ पे ना भाई फुल पैसा मिलता है ये वाले मेंशन में, क्योंकि लोग यहाँ पे ना भाई एंजॉय करने के लिए आते हैं ना भाई। यहाँ पर एक छोटा सा मतलब पार्टी टाइप एरिया भी है, मतलब ख़तरनाक है। तो यहाँ पे देख रहे हो मेरे जो भी NSG के बंदे ना, मैंने इनको हाईटेक वेपन्स प्रोवाइड कर दिए, मतलब मिलिट्री से फाइट करके ना, और जो लेस्टर ने मेरे को दिया था भाई ख़तरनाक वाला प्लान, जो कि मैंने आर्मी वाला गेटअप पहन के ना अब वहाँ पर चला गया आर्मी कैंप, और उन्होंने मुझे पहचाना भी नहीं है। एंड वहाँ पे ना NS क्या कहते हैं लेस्टर का एक और बंदा मिला हुआ था आर्मी वाला ही, और वहाँ पे हम लोग ने दोनों ने मिलकर ना चोरी कर ली, और फिर बाद में मेरी NSG की सिक्योरिटी ने भी यार उस पर हमला कर दिया और मैं वहाँ पे बच के निकल गया। तो ये देख रहे हो सब पे लेजर गन प्रोवाइड कर दिए। तो यार अभी आज मुझको एक काम, बहुत सारे काम करने, तो वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक, और वीडियो को पूरा वॉच करना एंड स्किप मत करना, उससे मुझे हेल्प हो जाएगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर देना। तो चलो यार मैं इसको बोल देता हूँ भाई, यहाँ पे ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ फायर
एंड ना हमको अभी जाना है, बहुत सारे काम करने हैं आज हमको गाइस, बहुत ज़्यादा ही काम करने, तो वीडियो स्किप मत करना भाई, फुल एंटरटेनमेंट होने वाला है एंड बहुत सारे फाइटिंग होने वाली है। सो चलो यार हम लोग को आज निकलना है गाइस। अभी ना मैंने उसको कॉल किया था, आपको याद है बेनी लैम्बोर्गिनी सियान, जिससे इतना बड़ा फाइट हुआ है हमारा, मतलब लेस्टर सॉरी ट्रेवर एंड मेरा, सिर्फ और सिर्फ कार के वजह से फाइट हुआ, क्योंकि उसने मेरी कार चोरी कर ली डगन बॉस के कहने पर, तो और वो कार अभी तक मैंने चलाई तक नहीं है, तो अभी मैंने बेनी के पास दी थी रिपेयर करने के लिए, तो अभी फटाफट से ना मैं बेनी के पास निकल जाता हूँ एंड वो मिस्टर के देख रहे हो सामने से वो जा रहा है, तो मैंने उसको बोल दिया मीटिंग तो हो गई भाई तू चला जा, और मेरे पास अभी ना एक बढ़िया वाली कार तो नहीं है, सारे कार मेरे मेले भी मेंशन पर ही है, तो यार मैं लाना भूल गया वहाँ से, तो चलो अपनी ये वाली निंजा जो हमने हमारे सारे सिक्योरिटी के जितने भी लीडर है ना उनको हमने ये बड़ी कार्स डिफेंडर एंड बहुत सारे कार्स ना गिफ्ट किए थे आप देख रहे हो, तो वो क्या चला गया उधर एंड मुझे अभी बेनी के पास जाना है, और ना देखते यार लैम्बोर्गिनी सियान मेरी यार उसने रिपेयर किए कि नहीं यार, मैंने उसको कब से दिए वो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, पता नहीं क्या सीन है यार, अभी ना फटाफट से आपको मिलता है वहाँ पर लैम्बोर्गिनी सियान, अभी देखते हैं रेडी है कि नहीं बेनी के पास। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे ना हम लोग आ चुके हैं बेनी के गैरेज पे, यहाँ पर ही गया है ना बेनी का गैरेज, चलो इधर ही के होना चाहिए यहाँ पर ही है, चलो चलो यहाँ पर ही है, बहुत दिनों के बाद आया हूँ, मतलब उसके पास मैंने मेरी कार दी है रिपेयर करने को एंड उसने अभी तक मेरे को दी नहीं है, पता नहीं क्या सीन हो गया एंड मेरा ना वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा, लग रहा है कोई गड़बड़ ना हो जाए बस। चलो यार बेनी का यहाँ पर गैरेज तो खुल गया है भाई, बढ़िया गैरेज है इसका, मतलब क्या ही बोले, चलो एक बार जाके देखते हैं। एंड यहाँ पे ना ये भाई कुछ ना कुछ करते रहता है, मतलब इसके पास ना खतरनाक खतरनाक वाले भाई कार्स आते हैं रिपेयर के लिए, देख रहे हो ये वाली लैम्बोर्गिनी भाई क्या ही भारी है एंड इसकी 5 भी यहाँ पे काम कर रही है। अरे ओए सुन जल्दी से बेनी जल्दी से उठ जा, और मेरे लैम्बोर्गिनी सियान कहाँ है जल्दी बता दे भाई, क्या ही कर रहा है ये काम भाई, इसको आवाज़ भी आ रही है कि मेरे इसको पता ही नहीं मैं इधर आया हूँ भाई, क्या हो गया इसको भाई, अचानक से उठ गया एंड भाई अरे भाग क्यों रहा है भाई, भाई भाग क्यों रहा है ये बेनी भाई, क्या हो गया रुक जा जल्दी से भाई, ये तो भाग रहा है यार, कुछ तो बोलते जा, हुआ क्या भाई, मेरे को देख के ना भाग रहा है अचानक से, मतलब और मेरे लैम्बोर्गिनी सियान भी नहीं है उस वाले गैरेज में यार, ये क्या सीन है भाई, ये तो कुछ लोचा ना कर दे मेरे साथ भाई, भाग क्यों रहा है सीधा बोल तो दे यार, इसको ना पकड़ना पड़ेगा यार, अभी पता नहीं क्या सिचुएशन हो गई है, अभी लग रहा है इसको मैं गोली चला के देखता हूँ एक बार, ये ना भाई इसको डराता हूँ थोड़ा सा, इसको मारना तो नहीं है भाई, रुक जा वरना तेरे फायर खोजूंगा, देखो अभी और डर रहा है, अभी रुक गया था ना भाई साला भाग रहा है भाई, देख तेरे को मार नहीं रहा हूँ, अगर तू भागेगा तेरे को मारना पड़ेगा, ठीक है ना भाई जल्दी से रुक जा, और मेरे लैम्बोर्गिनी सियान का है जल्दी से बोल, इतनी महंगी लैम्बोर्गिनी सियान मैंने यार बाय किया है, और ये बंदा भाई भाग रहा है, इसको रिपेयर करने के लिए दिया है भाई, ये बोल रहा है मैं इसको फटाफट से पूछता हूँ क्या बोल रहा है भाई, जल्दी से बता दे, एंड ये भाई बोल ही नहीं रहा कुछ, तो यार अभी ना इससे मैंने बात कर ली है एंड ये बोल रहा है कि यार तुम्हारी लैम्बोर्गिनी सियान को ना एक गैंग के बंदे, पर्पल गैंग के बंदे हैं, उन्होंने उसको किडनैप, मतलब वो वाली कार ना आए थे एंड ना तुम्हारी कार ले गए, मतलब उसका कहना है कि जो उनकी भी कार थी ना वो रिपेयर नहीं हुई, तो उन्होंने मेरी वाली लैम्बोर्गिनी सियान छुरा के चले गए, मतलब लोल भाई एक्सचेंज के तौर पर, तो मतलब ये जो कार सुधार रहा है ना ये वाली कार, और मतलब ये मेरी कार है, और वो जो लैम्बोर्गिनी सियान है वो उसने लेके चला गया, यार ये बालास गैंग के बंदे हैं, मतलब ये पर्पल कलर है ना, मतलब ये मुझे लग रहा है पता नहीं कौन सी गैंग है, तो यार ऐसा क्या भाई भागने की क्या ज़रूरत थी यार, मतलब इसको पता नहीं माइकल इतना बड़ा माफिया बन चुका है अभी, इतने खतरनाक वाली सिक्योरिटी हो गई ना अपने पास, तो चलो यार फटाफट से मैं जाता हूँ एंड ये कार ना मेरे को टट्टी लग रही है भाई, ये कार तो नहीं चाहिए भाई, लैम्बोर्गिनी सियान के सामने भाई सारे कार्स फेल है, तो यार ये देख रहे हो यहाँ पर निंजा यार उसको ना गन नीचे कर ले भाई, गन नीचे कर ले, इनके कोई गलती नहीं है, इसके नीचे कर दो, चलो यार फटाफट से ना नीचे गन कर दे, इसको कुछ नहीं करना है, तो चलो यार अभी अपने गन नीचे कर, यार निंजा ने उसको भी यार किडनैप करके रखा था, तो चल बेनी यार अभी ना मैं आता हूँ एंड ना भाई ये कार मुझे नहीं चाहिए, अभी लैम्बोर्गिनी सियान की प्राइस आप लोग को पता है कितनी खतरनाक है यार, मतलब एक्सचेंज कर रहे हैं भाई, ये खिलौना थोड़ी ना जो एक्सचेंज कर लो भाई, लैम्बोर्गिनी सियान के लिए इतने पापड़ बेल है भाई, ट्रेवर को तक फाइट कर दिया एंड भाई कितने कितने बड़े गंदे गंदे वाले फाइट हुए यार, ये छपरी वाली गैंग ना आके भाई, मतलब क्या ही बोलूँ, तो अभी फटाफट से ना मैं जाता हूँ एंड देखता हूँ अभी क्या सीन है, अभी मेरे पास ना विदाउट सिक्योरिटी के जा रहा हूँ, बट चलो कोई ना बालास गैंग है तो भाई देखता हूँ, अगर मैं उनसे बात कर ले तो भाई विदाउट खून खराब है कि हो सकता है तो कर लेंगे, अभी ना भाई ज़्यादा ही फाइट हो रही है हमारी, तो क्या ही बोलूँ, इतनी फाइट हम लोग रोज कर रहे हैं ना भाई, इतने बड़े वाले माफिया वाली फीलिंग आ रही है,
एंड अभी हम लोग को गाइस खतरनाक खतरनाक वाले आज बिजनेस भी करना है, बहुत बढ़िया वाला बिजनेस। तो उसके लिए आज हमें शोरूम भी खरीदना है, तो आज हम लोग शोरूम भी देखने जाने वाले हैं, तो एक खतरनाक वाला शोरूम भी हम लोग ज़रूर लेंगे। तो फटाफट से मैं आपको मिलता हूँ बालाज गैंग के एरिया में। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे ना फाइनली मैं आ चुका हूँ बालाज के एरिया में, और यहाँ पे मेरी लैम्बोर्गिनी सियान होनी चाहिए। तो यार पहले इनसे बातचीत कर लेंगे और बोलेंगे भाई मेरी लैम्बोर्गिनी सियान दे दे, वरना हम लोग विदाउट फाइट के आए भाई, विदाउट सिक्योरिटी के आए, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये देख रहे हो मेरी लैम्बोर्गिनी सियान है ना, अरे यहाँ पर लग रहा है ना इनका डांस बैटल चल रहा है, स्पीड डांस होता है ना इनके पास, पता नहीं ये लोग कुछ अजीब लग रहे हैं पता नहीं। और ये देख रहे हो क्या ही डांस कर रहा है भाई, ये देख रहे हो मतलब बिल्कुल छपरी टाइप के लोग हैं। और ये देख रहे हो यार, ये देख रहे हो मेरा कार के प्लेट पे देखो मेरा नाम लिखा है, एंड लैम्बोर्गिनी सियान देख रहे हो, मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा प्लेट पे ना नाम लिखा है, एक बार देखो ये देखो मेरा नाम लिखा है इस पर। और ये लोग इधर लाके गाड़ी को पार कर दिए से इसके बाप की गाड़ी, चलो कोई ना। इससे भाई बोलता है इनका लीडर कौन है यार, छपरी लोग का लीडर है कौन यार, अभी फटाफट से इनसे मिलता और बोलता यार फटाफट से ना भाई मार खा लेगा, मेरी सिक्योरिटी को बुला लिया ना भाई, तो भाई तुम्हारी ना भाई फट के हाथ में आ जाएगी। तो चलो यार ये कहा गया, इनका लीडर कौन है भाई, जल्दी से आओ उधर, कौन है तुम्हारा लीडर भाई, अभी भी डांस में भाई ये लोग ना भाई बिजी है, देख रहे हो भाई वो डांस को ही देख रहा है, इसका लीडर है कौन बे, अरे कोई आया इधर सुन रहा है क्या मेरा भाई, ये आ गया कोई छपरी, ये देख रहे हो फुल छपरी टाइप के स्टाइल में आया है भाई, देख ये मेरी कार है, ये कार तूने उठाई कैसे विदाउट उसके, तो इस भाई ये बोल रहा है ये कार ना तेरी नहीं है, ये कार भाई टेक्नो गेमर की है भाई, टेक्नो गेमर की कार है, अरे भाई ये लैम्बोर्गिनी सियान है, मेरा प्लेट देख भाई, वो बोल रहा है ये तेरी कार नहीं है, तूने टेक्नो गेमर से चुराई है, मैं उसको वापस करने वाला हूँ भाई, ये कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है, मतलब भाई ये पागल तो नहीं हो गया ना भाई, ये बोल रहा है ये तेरी कार नहीं है, तूने भी कार ये चुराई है भाई टेक्नो गेमर से, और ना और ये कार मैं उसको वापस कर दूंगा टेक्नो गेमर को, और मुझे वो रिवॉर्ड देगा भाई। यार ये छपरी बंदा कुछ भी बोल रहा है, मतलब लैम्बोर्गिनी सियान के दुनिया में एक ही है क्या भाई, भाई सबके पास है लैम्बोर्गिनी सियान यार, चलो कोई बात नहीं, इसको अभी बैंड बजानी पड़ेगी, इसको नया लग रहा है मैं डर गया उससे, अभी मैं फटाक से ना अभी उसको अपनी गैंग की पावर दिखा रहा है, मतलब उसका कहना है कि देख तू तुम दो और मैं ना इतने सारे लोग, तो एक सेकंड मैं थोड़ा सा कोने में जाता हूँ और इसको दिखा तो पावर क्या होती है, एक सेकंड अभी ना हमारे पास हाईटेक वेपन्स भी आ चुके हैं, तो उसका मेरे को टेस्ट भी करना था, तो चलो वैसे तो मैं उनको अकेला ही मार दूंगा, आपको पता है माइकल सबसे भाई कितना गंदा बंदा है ना भाई, इनको यूं ही मार दूंगा भाई, बट चलो कोई ना, इनसे मैंने गाइस फाइनली बात कर ली है और मेरी यहाँ पे सिक्योरिटी आती होगी, तो चलो वेट कर। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे ना हमारी सिक्योरिटी आ चुकी है, एनएसजी सिक्योरिटी, एंड मैंने इनको बोला है भाई हाईटेक वेपन्स लेके आना, तो अभी यार बालाज की हम लोग पुंगी बजाने वाले हैं, अभी उसको दिखाएंगे पावर क्या होती है, एंड इसको पता ही नहीं, वो छपरी को ना उसकी औकात दिखा देंगे। तो यार इनके देख रहे हो बढ़िया बढ़िया ना लेज़र गन है, तो चलो यार अटैक कर दो, एक सेकंड अभी नहीं, अभी मत करना, अभी ना मत करना, अभी मेरे को कार में बैठने दो, फिर उनकी दिखाते हैं उनकी औकात दिखाते हैं कि यार ये ना एनएसजी सिक्योरिटी से पंगा ले रहा है, पहले ये लोग मार खा चुके मेरे हाथ से, अभी ना ये लोग फिर से मेरे हाथ से मार खाने वाले, अभी मुझे लग रहा है ना एक और गैंग बनानी चाहिए मुझे भी, तो आप लोग को क्या लगता है हम लोग एक और गैंग बनाएं कि नहीं बनाए, अभी मेरे पास तो गैंग तो नहीं है, अभी हमारे पास सिक्योरिटी तो है, तो हमें एक गैंग बनानी चाहिए कि नहीं बनानी, चैट पर ज़रूर बताना अगर आप यहाँ तक देख रहे हो। तो चलो इनको मैंने कमांड दे दिया है और अभी ये लोग ना जा रहे सीधा आगे भाई साहब, अब मुझे नहीं पता क्या होने वाला है भाई, बिल्कुल इनका ना गेम ओवर करने वाला, देख रहे हो खतरनाक वाला सीन है भाई। चलो भाई अभी तुम्हारा गेम हो चुका है ओवर, अभी उसको दिखेंगे उसकी औकात गाइस, पता चलेंगे कि किससे पंगा लिया है एंड ना भाई किससे लिया है। तो भाई चलो भाई खतरनाक वाला सीन है, देख रहे हो मतलब पूरे पैदल आ रहे हैं और मैं कार में बैठ के आ रहा हूँ, एंड ना चलो यार अभी आएगा मजा गाइस, अब इनको पता लगेगा कि भाई माइकल से पंगा लिया ना, माइकल है कौन, अभी ना ये लोग को माइकल को हल्का ले रहे भाई, डगन बॉस की बैंड बजा दिया भाई मेरे, चलो बेटा तुम भी लो, चलो भाई इनको ना उड़ा दो भाई, लेजर एंड बॉम्ब वाली गन से उड़ा दो, चल बेटा तू भी ले, अभी इनको अभी हम लोग भाई कहा गए, देख रहे हो भाई अभी भी डांस ही कर रहे हैं क्या भाई, अब क्या डांस करेंगे भाई साले छपरी लोग, इनके ना भाई बैंड बजा देंगे, चलो ये देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो कैसे हाथ में आ रहे हैं भाई, यूं ही मार देंगे, चलो 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 आगे चलो आगे चल के ना फाइट करते हैं भाई, लेजर चल रहे हैं, लेजर दिख ही नहीं रहा यार गाइस, दिन में लेजर दिखता ही नहीं है यार, चलो कोई बात नहीं भाई, ये लेजर चला रहे बट दिख रहा है थोड़ा हल्का हल्का दिख रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, अभी ना दोपहर का टाइम है, रात में फुल चमकता है भाई लेजर,
पर चलो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है मुझे तो इनके ना भाई। चलो भाई लॉन्चर से उड़ा देंगे, अपने पास सारे के सारे हाईटेक वीपन्स तो आ चुके हैं भाई। देख रहे कुत्ता भी है भाई इनके पास, ये चल तू भी ले भाई। क्या ही चोमू बंदे, मतलब मेरे लैम्बोर्गिनी सियान भी कुछ नहीं होना चाहिए देख के, ठीक है ना भाई। सारे की सारी कार उड़ा दो बस, मेरे लैम्बोर्गिनी सियान एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए पहले इतना भाई। ये देखो भाई यहाँ पे मिसाइल एंड ना लेजर से उड़ा रहे, देख लो गजब। अरे भाई मेरे पे किसने फायर कर दिया भाई, बीच में आ गया हूँ मैं भाई। आराम से भाई तुम्हारे लीडर पे फाइट कर देंगे क्या ये लोग। चलो यार ये छपरी लोग तो चले गए, और भी है क्या भाई। ये गैंग को ना अभी मैं तबाह करने वाला हूँ बिल्कुल ही गाइस। अभी ये फालतू वाले गैंग है ना, मुझे लग रहा है मुझे भी एक गैंग बनानी चाहिए। तो आप लोग मुझे बताओ कि गैंग बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। और हमारा पहला चेक पॉइंट है भाई, गैंग ओपी लिख देना पहला चेक पॉइंट इस वीडियो का। और सारे के सारे चेक पॉइंट भाई 1 2 3 सीरियल नंबर से टाइप करना, एक एक टाइप से मत करना, फिर मैं आपका कमेंट ढूंढ नहीं पाता हूँ। और गाइस इंस्टा पे फॉलो कर देना, और इंस्टा पे आप जो बोलोगे हम लोग वो ऐड कर देंगे, क्योंकि इंस्टा पे आप बोलते हो तो हम लोग वही ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो आपकी जो भी फेवरेट चीज़ है मैं ऐड कर दूंगा गेम पे, जस्ट मेरे को इंस्टा पे फॉलो करके ना मैसेज जरूर कर देना। चलो यार इनकी ना बैंड बजा रहा है सब कुछ भाई, देख रहे हो। और कोई बचा है क्या भाई, ये देख रहे हो ऊपर से आया एंड इसको भाई जला के रख दिया लेजर से। ये देख रहे हो भाई ख़त्म है भाई, ये ऊपर से आँख हाजिर है भाई, छपरी गएंगे भाई एकदम, मतलब क्या ही बोले। चलो यार ये देख रहे छुप के बैठा भाई, गन कहाँ से आ गई इसके पास, छोटी गन थी ना इनके पास तो भाई, इनके पास तो पिस्तौल था। चल बेटा तू भी ले, और है क्या भाई, और छुप के बैठे लगता है इनके ना भाई। पूरी आज इनका पूरा खानदानी गाइस गैप कर देंगे लॉस एंटोस से, अभी ना ये गाइस ज़्यादा ही कर रहे हैं लोग, अभी इनका पूरा खानदानी गैप कर दूंगा मैं। अब इनको लग रहा है मजाक भाई, मेरे से मजाक कर रहा था वो बंदा, उनको लग रहा है भाई डांस बैटल चल रहा है एंड बोल रहा है सीधे गपचुप चले जा भाई, बोल रहा है ये टेक्नो गेमर की कार है भाई। टेक्नो गेमर की कार होगी भाई मैं मानता हूँ, बट भाई मैंने भी खरीदी पैसे दे के, मतलब पैसे नहीं दिए मेरे को तो गिफ्ट दिया था, मतलब मैं आपको याद ही होगा शेख जो है ना उसने मुझे गिफ्ट की थी, क्योंकि मैंने उसके बच्चे की जान बचाई थी। सो यार चलो यार अभी ना इधर एक सेकेंड ये क्या हो गया, बहस किया गया, एक और बंदे भाई और आ चुके हैं ये लोग भाई, इनको और मार खानी है क्या। चलो भाई इनको भी औकात दिखा देंगे, चल चल तू भी ले ले भाई, हमारे पास हाईटेक वीपन है भाई, अगर एक ही बंदा आता है ना हमारा सबकी फाड़ के रख देगा भाई। लेजर गन है भाई, लेजर गन है सबके पास, फुल वेस्ट है भाई, मतलब एनएसजी सिक्योरिटी भाई, और प्लस निंजा का हेड भी हमारे साथ में, जो कि भाई सबसे खतरनाक मार्शल आर्ट वाला बंदा है। चलो इनको अभी नहीं दिखाते दूसरी वाली एक बढ़िया वाली, अपने पास भी एक गन है यार मैं चला ही नहीं रहा, मेरे पास भी एक हाईटेक वीपन है तो यार मैं तो उसको चलाना ही भूल गया। अभी देख रहा चमक भी नहीं रही धूप में ना, इतना ज़्यादा दिख नहीं रहा, रात में जो चमकता है ना यार गाइस कसम से भाई मज़ा आ जाता है रात में अगर इसको चलाते हो ना भाई। अपना हाईटेक भी कौन है, मतलब क्या ही बोले, देख रहे हो गाइस लेजर वाली गन है बिल्कुल ही गाइस ख़त्म है, और कोई आ नहीं रहा यार भी मैंने निकाली। एक सेकेंड भाई इसकी बस आर पी जी कहाँ से आ गया गुरु भाई, बच भाई यार बचना पड़ेगा भाई, भाई इसके पास आर पी जी कहाँ से आ रहा है छपरी के पास भाई, मेरी लैम्बोर्गिनी सियान ना फोड़ दो देखते हैं। ये देख रहे हो भाई इनके पास आर पी जी आया कहाँ से, इतना बजट इनको प्रोवाइड कौन कर रहा है भाई, इनका पास कौन सा बिजनेस कर रहे हैं पता नहीं ये लोग। अभी मेरे को बिजनेस करना है फटाफट से ना, मुझे भी गैस गैरेज देखने जाना है, अभी कौन सा गैरेज बाय करूँ पता नहीं यार, गैरेज बाय करूँ या गाइस हम लोग खुद का ही गैरेज बनाए आप लोग बताना एक बार। बट चलो कोई ना, हम लोग अभी जो रेडीमेड गैरेज है वो देख लेंगे, अगर आप बोलते हो तो यार खुद से कंस्ट्रक्ट करो तो वो भी कर लेंगे, मतलब अपने मर्जी से एक रूम जो दो रूम जो भी बोलो भाई वो कर देंगे। बट चलो यार फटाफट से इधर मैं देख लो, और कोई बचा तो नहीं है ना, रेड निंजा इधर ही कहीं था मेरे को दिखा है भाई, रेड निंजा देख रहा कौन इसमें क्या कर रहा है भाई, ये लगता है गाइस ये चलो कुछ प्राइवेट काम कर रहा है। चलो फटाफट से ना, इधर कोई भी नहीं लग रहा है, लग रहा है सब मर चुके हैं, लग रहा है सब ख़त्म है। चलो यार फटाफट से मुझे लग रहा है इधर से निकलना चाहिए, बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया है। चलो यार कोई और है क्या, ये सॉरी कोई और ही बंदा है, ये देख रहे हो ये भाई फालतू का आते हैं भाई, इधर कहीं आग भी लगी नहीं है, फायर विकेट वाले ना भाई कोई भी बनते हैं भाई। चलो यार फटाफट से रेड निंजा जल्दी से आ जा भाई, मेरे को लैम्बोर्गिनी सियान लेके जाना है, और तू डेफिनेट ले ले अपनी, इनकी ना भाई कार फोड़ देता हूँ सालों की, ये तो भाई इनका सारी कार फोड़ ही दी है, एक कार ही फोड़ देता हूँ, एक कार की वो छोड़ दूँ। चलो यार अपनी लैम्बोर्गिनी सियान आ चुकी है, एंड ये बंदा देखो मेरे कार पर लेटा भाई मरने के बाद भी, और मैंने रेड निंजा को बोल दिया भाई वो कार लेके आ जाएगा। एक सेकंड रेड निंजा कहाँ गया, हाँ ये रहा वही तो बोलूँ, मुझे लगा बैठ गया था।
चल रे निंजा फटाफट से ना भाई, तू अपने रास्ते चल और मैं अपने रास्ते चलता हूँ। मुझे जाना है बेनी के पास और बेनी को पिकअप करना है, और बेनी को पिकअप करके ना मेरे को गाइस शोरूम देखने जाना है। हम लोग जहाँ अपना खतरनाक वाला बिजनेस करेंगे। मैं सोच रहा था अपने मेले भी बेसन पे ही बनाऊँ, बट वहाँ पे ना ज़्यादा लोग रहते नहीं है, मतलब ये पूरा हाईवे वाला रोड है, तो मुझे लगता नहीं वहाँ पर गए। हम लोग अगर शोरूम बनाते हैं ना तो इतने लोग आएंगे, अपना बिजनेस फ्लॉप भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत कम आते। तो मैं सोच रहा हूँ एक ऐसा शहर में लो जहाँ बीचों बीच हो, मतलब पब्लिक ज़्यादा हो एंड अपने शोरूम ना ज़्यादा गाइस चले, समझ रहे हो? तो मतलब ऐसी वाली लोकेशन पे चाहिए। तो हम लोग अभी फटाफट से निकलते हैं उस वाली लोकेशन पे, क्योंकि हम लोग वहाँ पे बनाते हैं ना मेनली वैसन। मैंने गैरेज तो बनवा दिया बट वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ही कम लोग रहते हैं, तो उसके वजह से गाइस प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग देखते हैं गैरेज का कौन सी जगह बनाना है एंड फटाफट से निकलते। ऑल राइट गाइस, फाइनली मैं आ चुका हूँ बेनी के गैरेज पर, और चलो इसको फटाफट से पिकअप करते हैं यार। गाइस क्या ना भाई, आज दो चक्रे हो गए इसके घर के आसपास। चलो यार फटाफट से इसको पिकअप करता हूँ, ये घर के बाहर ही हो यार, ये अंदर ही बैठा है। इसको बोला था मैंने बाहर निकल के बैठ यार, अभी हॉर्न मारना पड़ेगा, ये तो आता ही नहीं, उसको आवाज़ ही नहीं आती बिल्कुल भी। अभी हॉर्न बजाना पड़ेगा फिर ही आता है। अरे बेनी बाहर निकल, वो जल्दी से जल्दी से बाहर निकल जा, ये देख रहे हो अभी बाहर ही खड़ा है, देख रहे हो भाई ये ना इसको सुनाई देता नहीं है, पता नहीं यार। चलो जल्दी से आ भाई, फटाफट से मेरे को दिखा दे शोरूम देखने जाना है, क्योंकि ना अभी मैं इसको क्यों लेके जा रहा हूँ, क्योंकि अभी हमको आज शोरूम देखना है, हमारे पास पैसों की कमी हो चुकी है, बिजनेस करना पड़ेगा कहीं बड़ा वाला। एंड ना भाई वैसे तो हम लोग चोरी गिरी करेंगे, बट यार एक सेकेंडरी इनकम भी होनी चाहिए ना गाइस। तो अभी हम लोग के पास अभी पैसा तो है, तो मैं सोच रहा हूँ पैसों का हम लोग ना एक शोरूम खरीदते हैं ना भाई, खतरनाक खतरनाक वाले सुपर कार उसमें ऐड करते हैं। आप लोग भी बोलो कौन सी सुपर कार ऐड करनी है। तो चलो यार फटाफट से लोकेशन पे हम लोग निकलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। ऑल राइट गाइस, फाइनली हमको बेनी ने लेके आ चुका है ये वाले लोकेशन पर, और ये वाला जो शोरूम है ना ये बेचना है एक बंदे को। तो अभी देखता हूँ यार, ये वाला शोरूम मेरे को बहुत बड़ा लग रहा है गाइस। पहले तो इसका नाम देख लो, क्लिंटन लग्जरी ऑटो क्लब। चलो इसका नाम हम लोग बाद में जाके चेंज कर देंगे, माइकल दी गैरेज रख देंगे, या आप जो बोलो वो रख देंगे। ये गैरेज तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। सो यार ये पार्किंग भी है एंड ना सब कुछ है, एंड बिल्कुल ही गाइस ग्लास से वाला, ग्लास से ना भाई पूरा चमक रहा है, अंदर का सब दिखता है। तो यार लोग ना अट्रैक्ट होंगे एंड ये एरिया ना भाई ज़्यादा ही पब्लिक में भी है। सो लग रहा है ना यहाँ पे अपना प्रॉफिट हो सकता है, तो मुझे लग रहा है यही इसका ऑनर है। तो भाई इससे ना हमने पहले ही मीटिंग अपॉइंटमेंट ले ली थी यार, इसने ना बेनी ने। तो चलो यार ये मुझे दिखा रहा है कि यार देख लो ये ना सब कुछ है। सो यार ये तो भाई बढ़िया है, हम लोग इसमें ना और मॉडिफाइड करके भी ना यहाँ पे और चीज़ें डाल सकते हैं, तो कोई बात नहीं। सब तो बढ़िया लग रहा है ना गाइस, ठीक है ना यार, ये शोरूम बढ़िया है। एंड लोग ना बाहर से देख रहे, रोड पर जो भी आता है ना पब्लिसिटी हो जाएगी। और ये कह रहा है कि इधर देखो एक और ऑफिस है, वेटिंग ऑफिस है, एंड ना भाई यहाँ पर एक बीच भी है। और यहाँ पे देख रहा हूँ क्या ही नज़ारा है, जो भी काम करने वाले वर्कर्स है ना भाई उनका भी दिन बन जाएगा इधर काम करके। और ये कह रहा है एक और ऑफिस रूम है, एंड भाई ये तो बढ़िया है गाइस यार सब कुछ ना भाई बढ़िया। ये भाई ये ऑफिस ज़्यादा लग रहा है, इसमें हमको ना कार के लिए जगह चाहिए भाई, इतना ऑफिस ये बोल रहा है। ये गैस के लिए जगह है, ठीक है यार ये गैस के लिए भी जगह है, और ना भाई सब कुछ है। एंड यहाँ पे कुछ पार्ट्स रिपेयर होते हैं, अच्छा ये भी सही है गाइस, यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन होता है लगता है। और ये कह रहा है चलो आपको ना नीचे का और एक पार्ट दिखाता हूँ। इस भाई ये शोरूम बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, लग रहा है इधर ना कोई असली माल हो सकता है। चलो यार सही लग रहा है, सब कुछ तो बढ़िया ही लग रहा है मुझे तो। एंड यहाँ पर ना हम लोग अपने कार्स को इधर प्लेस भी मतलब रख सकते हैं। भाई ये शोरूम तो बढ़िया लग रहा है, आपको बताना कैसे लग रहा है हमको और शोरूम देखने की, अभी और क्या करना है। अभी मैं इसमें तीन चार शोरूम देखने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा ही शोरूम हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग बताना अभी हमको खुद से कंस्ट्रक्ट करना चाहिए या रेडीमेड बाय करना चाहिए। यहाँ पे ना ये कार रिपेयर्स होंगे, अच्छा चलो यार इधर ना कार्स को मॉडिफिकेशन करने तक का एरिया है मतलब जगह है। तो भाई ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा वाला गैरेज है, मुझे ये वाला गैरेज पर्सनली बहुत बढ़िया लगा है। आपको कैसा लगा चैट में ज़रूर बताना। एंड सेकंड भी इसका चेक पॉइंट है गैरेज ओपी लिख देना, एंड मुझे पता चलेगा आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, यहाँ का बीच का एरिया देख रहे हो ना। तो मैंने दो चेक पॉइंट दे दिए, तो सारे के सारे चेक पॉइंट सीरियल नंबर से ही टाइप करना, मतलब एक ही कमेंट में, अलग अलग मत करना, फिर मैं ढूंढ नहीं पाता हूँ गाइस। सो चलो यार भाई पेनी देख, ये एरिया तो मेरे को लगा बढ़िया लगा। अभी ये बोल रहा है अभी ऊपर चलते हैं, ना ऊपर भी है भाई, मुझे लगा नीचे ही है, हाँ मैं तो भूल ही गया भाई। ये यहाँ पर भी एक ऑफिस है, अरे भाई रुक जा भाई मेरे को देखने दे भाई, इतना ये बंदा ना अजीब बंदा है, देख रहे हो
भाई खुद दिखा रहा है कि मेरे को दिखा रहा है भाई, यहाँ पे मीटिंग वाला एरिया है चलो, और ये बोल रहा है तुम इधर देख सकते हो। यार ये बंदा थोड़ा सा, यहाँ पे ना किचन भी है भाई, किचन क्या करना है इधर। ये बोल रहा है इमरजेंसी कोई भी आपके गिफ्ट, आपके गेस्ट आते हैं ना उनके लिए, तो यार कुछ ज़्यादा ही लग्जरी नहीं कर दिया भाई शोरूम को भाई। बढ़िया है चलो, ये भी बढ़िया है। और ये एक और ऑफिस भाई, इतने ज़्यादा ऑफिस खोल के बैठा है ना भाई, अब क्या ये बोले। और ये क्या है यहाँ पर, ये कोने में क्या चीज़ होती है, एक सेकंड, ये टॉयलेट आना चाहिए, टॉयलेट है भाई, टॉयलेट भी बढ़िया है। चलो तीन तीन टॉयलेट दिया है इसने भाई, टॉयलेट ज़्यादा होना चाहिए थे बट चलो कोई ना, मैं तो बोलता एक ही होना चाहिए था, या बीच भी है पीछे तो लोग पीछे भी जाके कर सकते हैं, बट कोई ना यार पीछे होना चाहिए, लग्जरी है। एंड यहाँ पे इतने सारे ऑफिस है ना भाई साहब, बहुत बड़ा वाला ऑफिस है भाई, इतने ज़्यादा हमको ना गाइस एम्प्लॉइज हायर करने पड़ेंगे यार, अभी तो हमारा बिजनेस स्टार्ट भी नहीं हुआ। एंड ये लोग, ये अपना भाई अपना मेन ऑफिस जो का बॉस का होने वाला है, मतलब अपना, अपन इधर बैठेंगे और ना इधर हम लोग अपन अपना व्यू देखो पीछे का। सो यार ये मुझे बहुत बढ़िया लगा ये वाला गैरेज, और मेरा जो रूम है ना ज़्यादा ही छोटा दे दिया यार, थोड़ा बड़ा कर देते ना, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। चलो चलता है। एंड ना भाई इधर एक और गाइस देख रहे हो भाई, बढ़िया है सब कुछ ना इधर, बढ़िया ही है। चलो यार मतलब सब कुछ कांच का है भाई, अगर कोई ब्लास्ट ना हो जाए बस, इधर ना हमको एयर डिफेंस सिस्टम भी लगवानी पड़ेगी अगर इसको परचेस करते अपने दुश्मन ऐसे ना भाई, ये कांच का है पूरा। एंड भाई एक ही झटकी में भाई सब कुछ फट जाएगा। तो यार आपको कैसे लगा ज़रूर बताना। अभी यार मैं उससे बोलता हूँ यार, देख हमको ना और भी गाइस शोरूम देखने जाना है, हम लोग अभी डील तो पक्की नहीं करेंगे, बट हम लोग को ना गाइस इसको, मुझे पर्सनली ये वाला ना शोरूम बढ़िया लगा है। बट चलो यार बेनी बोल रहा है अभी ना तीन चार बंदों से और मीटिंग की, एंड हम लोग को अभी वाई सी टी भी जाना है, एंड वाई सी टी में थोड़ा इसका कुछ काम है। सो चलो यार अभी भाई हमको तो बढ़िया लगा है ये शोरूम, देखो भाई हम ना इधर आएंगे थोड़ी देर से ठीक है ना, हम लोग को अभी और भी शोरूम देखना है। एंड हम लोग सारा सर्वे करते हैं, इधर पब्लिक का एरिया कम लग रहा है बट चलो कोई ना। तो ये बोल रहा है ठीक है कोई बात नहीं, आप देख लो इससे बढ़िया शोरूम आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा लॉस एंजेलिस में। यार ये तो उसने सही कहा, बट चलो ठीक है ना भाई, फिर भी एक बार देखने में क्या जाता है। तो अभी यार एक ख़तरनाक वाला ये बोल रहा है, बिनी बोल रहा है कि एक और शोरूम है, आपको दिखाता हूँ इसके फ्रेंड का शोरूम है, एंड ना जाके देख लेते हैं यार गाइस। बेनी यार ये वाला शोरूम ना बढ़िया दिखा है, और एक और शोरूम की बात कर रहा है, क्या पता अच्छा हो। आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताना, मुझे तो यार एकदम बढ़िया लगा, अपन इसमें ना बढ़िया बढ़िया सुपर स्कार्स भी ऐड कर देंगे। तो चलो यार सेकंड गैरेज पे आपको मिलते हैं। और राइट गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं सेकंड शोरूम पर, सेकंड शोरूम पर। एंड ना भाई ये शोरूम तो भाई कुछ ज़्यादा ही छोटा है भाई, ये क्या सीन है यहाँ पे लोग तो भाई, ये चालू शोरूम है क्या लग रहा है इसमें ना, ये शोरूम अभी चालू है लग रहा है, इसके कार ना भाई सेल नहीं हो रहे भाई, ये एरिया पब्लिक वाला है एंड ना भाई ज़्यादा ही पब्लिक है भाई, इसके ना एक भी कार सेल नहीं हुआ इधर। चलो यार ये ना भाई पूरा ही कार से शोरूम से भरा है भाई, भाई ये पर ये लग रहा है इसका ऑनर है, मैंने बोल रहा है ये इसका ऑनर है। चलो ये मुझे दिखा देगा सब कुछ भाई, ये फुल शोरूम ना भाई ओनली रोल रॉयस का ही है, मतलब यहाँ पे आपको सारे स्पेशल रोल रॉयस कस्टमाइज वाले एंड ना हर चीज़ मिल जाएगी। सो भाई यार मेरे को तो सुपर कार भी रखने हैं, बट चलो कोई ना यार इसमें ना हम लोग, मैं सोच रहा हूँ ये वाला शोरूम या दोनों ही खरीद लूँ, क्या बोलते हो भाई। ये देख रहे हो रोल रॉयस भाई खतरनाक है, आप जो भी बोलते हो गाइस हम लोग कर देंगे, बट मुझे लग रहा है दोनों ही शोरूम खरीदने चाहिए, अभी तो पैसा बहुत है भाई, एंड ना बहुत ज़्यादा ही पैसा लूटा है हम लोग ने एक बंदे से, आपको याद ही होगा एंटेनियो से। बट चलो यार गाइस अभी ये शोरूम तो यार ये मुझे दिखा रहा है, बट ये शुरू होते ही ख़त्म क्यों हो गया, ऐसा क्यों लग रहा है। एंड ये ऑफिस है क्या, एंड ये ऑफिस लग रहा है। चलो ये अच्छा सॉरी टॉयलेट है ये मुझे लगा यार ये ना ऑफिस है, बट ये टॉयलेट निकला, टॉयलेट सामने ही रखा है यार, थोड़ा पीछे होना चाहिए था, बट चलो ये रहा ऑफिस। हाँ ये ऑफिस ना बढ़िया लग रहा है, देख रहे हो बिल्कुल लेजेंडरी लग रहा है, वो पहले वाला था ना भाई कुछ ज़्यादा ही छोटा था, बट इसका ना ऑफिस भाई जो बॉस का ऑफिस है ना, मतलब जो ओनर है वो बढ़िया है, मतलब चलो भाई ये शोरूम मेरे को बढ़िया लगा है। चलो ये वाला शोरूम मैं खरीद लेता हूँ, एक काम करता हूँ, एंड ना इसमें हम लोग रोल रॉयस या सब कुछ बेच देंगे, एंड सारा ना भाई बाहर का माल बेचने वाले। तो देखो भाई हम लोग आते हैं,
अभी और हमको जाना है, ठीक है ना। और ये देख रहा, ये भी मिल जाएंगे कि इसके साथ में, सॉरी मतलब चलो लग रहा है गाइस हमको ना सिर्फ शोरूम मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके जो एम्प्लॉयज़ है भाई, ये बोल रहे हैं मेरे एक और शोरूम है, तो वो वहाँ पे लेके जाएगा यार। ठीक है यार भाई, मुझे ना ये रोल रॉयस बहुत ज़्यादा ही पसंद आई है। इसका डिज़ाइन ना यार, मैं लग रहा हूँ एक शोरूम यहाँ से एक सॉरी ये वाली रोल रॉयस ख़रीद लूँ। बट चलो कोई ना, अभी हम लोग अपने काम से आए थे तो यार निकल जाते हैं, वरना ये बोलेगा देखो शोरूम खरीदने आया है ना भाई, कार को देख रहे हैं। चलो कोई बात नहीं यार, फटाफट से बेनी बैठ जा। और बेनी बोल रहा है कि उसको ना एयरपोर्ट पे कुछ काम है, पता नहीं यार एयरपोर्ट पे क्या काम आ गया भाई, मतलब सॉरी उसको YCT जाना था, और YCT में थोड़ा उसका ना भाई बढ़िया वाली डील होने वाली है, मतलब बहुत ज़्यादा ही मिलियंस वाली डील है इसकी। एंड ये बोल रहा है ना मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, एंड ना वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही मतलब YCT में ज़्यादा ही गैस पंगा होता है। सो कोई बात नहीं, चलो फटाफट से ना भाई निकलते हैं YCT की ओर एंड एयरपोर्ट की ओर। ऑल राइट गाइज, यहाँ पे ना हम लोग आ चुके हैं एयरपोर्ट की ओर, और बेनी बोल रहा है देखो तुम मुझे बस छोड़ दो यहाँ पे, मैं खुद चले जाऊँगा। भाई मैं इसको बोला यार देखो मैं भी आता हूँ, बट ये सुन नहीं रहा। बट चलो कोई ना, मैं तो उसके साथ जाने ही वाला हूँ, ये बोल रहा है, बट ये ना उसकी फटती है YCT में जाने से, क्योंकि ना भाई YCT में ज़्यादा ही गैंगस्टर है भाई, भाई खतरनाक वाले गैंगस्टर फिरते हैं भाई, क्या ही बोले। सो भाई मुझे तो यहाँ पे एक भी एरोप्लेन नज़र नहीं आ रहा है, ये वाला है, बट ये आई थिंक इसका कुछ बंद लग रहा है। एक सेकंड, ये यहाँ पे इतनी गर्दी कैसे हो गई भाई, यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे भाई। ये एयरपोर्ट पे कोई आया है क्या बेनी, एक तो एक बार यहाँ पे देख ले, यहाँ पे ना एक सेकंड मैं देख लूँ, तो खुद भी एक बार देख लूँ भाई, यहाँ पे ना कोई VIP बंदा आया है क्या भाई, इतने सारे लोग भाई, ये तो प्रेसिडेंट लग रहा है मुझे भाई, इसकी प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी है ये तो। ओ भाई साहब यार, ये तो प्रेसिडेंट आया है भाई, इधर लग रहा है इस प्रेसिडेंट ना कहीं गया था, एंड ये इसकी एंट्री इधर हुई है, मतलब ये लॉस सैंटोस में आया है यार। चलो इसके हम लोग फ़ोटो देते हैं एक बार, एंड इससे मिलते हैं एक बार, एंड ना भाई इसको मिलते हैं, मतलब देखते हैं क्या सीन है भाई। देख रहे हो कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी यार, मतलब अपने से भी ज़्यादा सिक्योरिटी है भाई इसकी तो यार, एकदम खतरनाक है, मतलब सही है यार, मतलब देख रहे हो प्रेसिडेंट, मतलब मैं सोच रहा हूँ यार मैं भी बन जाऊँ प्रेसिडेंट, बट यार कोई जुगाड़ तो करे, इतना मुश्किल है भाई प्रेसिडेंट बनना। बट चलो भाई माइकल है भाई, माइकल के लिए कुछ भी है, तो यार आप लोग बोलना यार प्रेसिडेंट बन जाएगा भाई कुछ करके भाई, हैग गिग करके भाई, मशीन गिशिंग वोट्स की। एक सेकंड, ये पुलिस वाला क्यों आ रहा है इधर भाई, क्या हो गया भाई, मैं भाई गिरफ्तार ना कर ले भाई, क्या हो गया पुलिस भाई। भाई ये बोल रहा है ये प्राइवेट एरिया, इधर से निकल जाओ भाई, एयरपोर्ट कब से प्राइवेट हो गया। ठीक है मैं जा रहा हूँ यार, ये बोल रहे ना अभी अभी ना प्रेसिडेंट आया हुआ है, एंड उस पर ना ज़्यादा जान का खतरा, हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, एंड तुम ना इधर से चले जाओ यार, ये क्या छप रही है भाई। भाई मैं तो इधर YCT जाने के लिए आया हूँ, ये बोल रहे ना तुम लोग बाद में आओ, अभी सारे के सारे एयरप्लेन्स मतलब प्लेन्स ना बंद है, मतलब यहाँ पे क्या ही सीन है, मतलब यार ये प्रेसिडेंट आया तो यार सब कुछ बंद कर देते ये लोग, क्योंकि इसके जान पे ज़्यादा ही खतरा है, एंड पता नहीं कैसे यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कैसे गंदा वाला सीन है इसके साथ, प्रेसिडेंट के जान खतरे में, पता नहीं यार कुछ इसका नाम अलग ही इशू चल रहा है। तो यार चलो हम लोग ना वेट करते हैं, एंड क्या एक सेकेंड भाई, ये भाई फायरिंग की आवाज़ हो रही है यार, ये फायरिंग कौन कर रहा है यहाँ पर यार, ये लोग भाग रहे देख रहे हो यार, मुझे लग रहा है ना प्रेसिडेंट पे किसी ने अटैक कर दिया है भाई। यहाँ पर देख रहे हो पुलिस वाले ना अलर्ट हो चुके हैं, एंड ये पुलिस वाले जा कर रहे हैं। एक सेकंड मैं जाके देखता हूँ यहाँ पे ना कुछ, भाई मेरे को लग रहा है कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है, और यहाँ पे प्रेसिडेंट भी ना इधर ही कहीं प्लेन में बैठा है, उसको पता है कि नहीं। एक सेकंड यहाँ पे ना भाई फुल फायरिंग की आवाज़ आ रही है इधर, एंड यहाँ पर एयरपोर्ट पर कौन अटैक करेगा भाई, ये क्या सीन है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई। वहाँ पर देख रहे हो वहाँ पे ना फाइटिंग चल रही है उधर देख रहे हो, और ये लोग यहाँ पे ना प्रेसिडेंट का भाई प्रोटेक्शन कर रहे हैं स्वैट्स के बंदे। ओ भाई ये कौन है भाई, देख रहे हो सामने देख रहे हो भाई, ये सामने देख रहे हो कौन है भाई साहब, इन्होंने सारे पुलिस वालों को मार दिया एंड स्वैट के बंदों को मार दिया। अरे बेन तू जल्दी से इधर से भाग जा, वरना ये तेरे को मार देंगे भाई, फटाक से इधर से निकल जा भाई। भाई ये देख रहे हो इसको भी मार दिया यार, ये देख रहे हो यहाँ पे गाइस भाई सारे पुलिस वालों को मार रहे हो, उनको निकलना पड़ेगा इधर से। एक सेकंड मुझे ना भाई कुछ भी करके कर यार, मैं देखता हूँ इधर और क्या रहा है भाई। यहाँ पे देख रहे हो सारे प्रेसिडेंट के बंदे ना
इधर ही चाहिए, मतलब इधर ही देख रहे प्रोटेक्शन कर रहे भाई ये बंदे ना, मुझे लग रहा है कुछ भाई ये गैंग वैंग के बंदे तो नहीं ना कोई, ये मुझे एक बार देखना पड़ेगा इनका चेहरा देख लूँ, इनका मुझे चेहरा देखना है एक सेकंड भाई। ये देखो यहाँ पे फुल फाइटिंग हो रही है एंड भाई साहब इधर सारे पुलिस के बंदे मर चुके हैं भाई। प्रेसिडेंट किधर है भाई? इधर प्रेसिडेंट मर गया ना भाई लॉस एंजेलिस का भाई प्रॉब्लम हो जाएगी यार। मैं ना एक काम करता हूँ, पहले इनके चेहरे देख लो भाई, ये कोई अपने बंदे तो नहीं ना। एक सेकंड भाई, ये तो भाई एक सेकंड, इनके कपड़े देख रहे हो भाई? ये ना सोमाली पायरेट्स के बंदे भाई, पायरेट्स बंदे भाई ये तो, समझ रहे हो गाइस ये पायरेट्स हैं, मतलब ये जहाज के जो लोग होते हैं ना ये लोग हैं, दूसरे देश के लोग हैं एंड ये इनको आतंकवादी भी बोल सकते हो। और भाई साहब ये देख रहे हो, ये ना भाई प्रेसिडेंट को अटैक कर रहे थे एंड लग रहा है ना ये भाई मेरे पे फायर कर रहा है अभी। मुझे ना अब हाईटेक की फोन निकाल के ना इनकी बैंड बजानी पड़ेगी। एक सेकंड सालो ये लो भाई, भाई मैं बस इसके तमाशा देख रहा था बट अभी ना इनकी बैंड बजानी पड़ेगी साला भाई। इनको ना अभी दिखाता हूँ भाई, इनको पता नहीं माइकल जो डॉन है कौन भाई, इनको लग रहा है माइकल ऐसे ही कोई बनता है भाई। मेरे को मार रहे हैं भाई, भाई साधारण बंदा नहीं भाई मैं भी, भाई तुम्हारे सौ बंदों खा जाऊँगा भाई। भाई देख रहे भाई कार को फोर दिया गलती से, चलो कोई बात नहीं भाई, सारे के सारे बच चुके बट प्रेसिडेंट जिंदा है कि नहीं पता नहीं यार। अभी फटाफट से ना इनको सबको मार दूँ भाई। ये सो मैनी पायरेट्स के जो बंदे लुटेरे लोग होते हैं भाई ये लोग हैं, मतलब ये भाई एयरपोर्ट पे कैसे एंट्री मार रही, मतलब पुराना प्रोटेक्शन लगा है भाई, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है ना भाई। एक सेकंड भाई यहाँ पर इसको मैं सबको निपटा दूँ भाई। ये आतंकवादी इधर कैसे आ चुके इधर ये वाले गए मतलब लॉस एंजेलिस में? और भाई साहब इनको ना भाई मेरे पास बढ़िया हो गया कि यहाँ पे मेरे पास हैटर भी होने, वरना मैं ना भाई कब का टपक जाता भाई। चलो भाई इसको भी निपटा दो भाई, ये मर नहीं रहा इसके पास बेच के भाई, मर क्यों नहीं रहा ये लेजर वाली गन है भाई। चल भाई गया भाई पुराना भाई, देख रहे हो पूरा जल गया बेचारा। चल भाई तू भी ले ले, इनको पता ही नहीं मेरे पास कौन सी वाली गन है भाई, मजाक से हट के। चल तू भी गया भाई, तू भी गया एंड तू भी ले ले। चल भाई गजब का गजब इनको पेल देंगे। चल भाई तू भी गया भाई, इसको भाई इनको लग रहा है ना भाई शादी वाली गन से आके मार देंगे। इन्होंने ना भाई फुल वेस्ट पहन के रखी है बट फिर भी ये लोग मर रहे हैं, ठीक है ना। मेरे पास हाईटेक भी फोन है बट इनके पास वेस्ट भी उसके भाई, देख रहे ये ना भाई लेजर से भी कुछ हो नहीं रहा। एंड भाई साहब ये देख रहे हो सामने एक प्लेन भी क्रैश हो चुका है भाई, ये क्या सीन, उन्होंने प्लेन भी क्रैश करवा दिया भाई। भाई भाई यार ये तो कुछ ज़्यादा ही गैस लफड़ा हो गया है। एंड सामने देख रहे कोई बंदा जिंदा है गैस, वो प्रेसिडेंट तो नहीं ना भाई? प्रेसिडेंट के पास तो फुल बुलेट प्रूफ जैकेट होती है। एंड एक सेकंड वो मरने का नाटक तो नहीं कर रहे ना आई थिंक भाई? जिंदा है प्रेसिडेंट, जिंदा है। फटाफट से ना मैं कॉल करता हूँ एम्बुलेंस, मतलब एम्बुलेंस इधर ही होंगे एंड ना भाई सब क्लियर है आई थिंक, एम्बुलेंस वाले आते होंगे। एंड एक सेकंड में अपन ना आने वाले होंगे गाइस मुझे लग रहा है भाई। जल्दी से देख रहे हो इतने फास्ट ना ये एम्बुलेंस वाले आ गए, क्योंकि ना यहाँ पे सारी इमरजेंसी मतलब हर चीज़ होती है, मतलब एम्बुलेंस वाले भाई सब कुछ यहाँ पहले से ही थे बट ये लोग ना छुपे हुए थे भाई। फटाफट से लेके जाओ प्रेसिडेंट को जल्दी से भाई, वरना कुछ हो ना जाए भाई प्रेसिडेंट को। चलो यार प्रेसिडेंट को ये लोग ना फटाफट से ले जा चुके हैं। एंड ये पुलिस वाले मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, बोल रहे यार तुमने इतना बढ़िया कैसे किया भाई। यार मेरी तारीफ़ कर रहे हैं ये लोग, बोल रहे ना तुमने इतना बढ़िया काम किया ना, मतलब पुलिस वाले खुद नहीं कर सके यार भाई साहब। एक सेकंड, एक और बंदा है क्या वहाँ पर? एक और बंदा है क्या भाई? दो बंदे पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई, एक बंदा उसको मार रहा है भाई। भाई ये पुलिस वाले बोल रहे हैं फायर कर दो भाई, रिक्स नहीं लेना हमको भाई। चलो यार डायरेक्ट फायर कर दिया। एंड ये लोग इधर से ही कहीं आए भाई, भाई इधर तो पूरा पानी वाला एरिया है भाई। ये देख रहे हो यार ये ना गाइस सोमैली पायरेट्स है, मतलब ये लुटेरे लोग हैं, मतलब आतंकवादी बोल सकते हैं इन लोग को। एंड भाई साहब इनके देख रहे हो ना गाइस क्या ही सीन है भाई, ये सोमैली पायरेट्स के बंदे हैं और ये लोग इतने बड़े तार पे से कैसे आ सकते हैं भाई? इनके जहाज भी है भाई, भाई ये बंदे ना इसके ऊपर चढ़ चढ़ के आए, मतलब देख रहे हो भाई साहब इनके जहाज देखो एक बार भाई। मैं वही तो बोलूँ ये लोग ना, इनके ज़्यादा ही न्यूज़ में सुन रहा था टीवी पे एंड ना ये लोग लॉस एंजेलिस में आ चुके हैं। एक बार ना आप इधर देख लो, ये मेरा शक सही निकला, ये लोग ना जहाज से आए थे भाई एयरपोर्ट पे हमला करने, मतलब प्रेसिडेंट पे हमला करने, बट प्रेसिडेंट तो बच गया भाई। प्रेसिडेंट ने बढ़िया वाली एक्टिंग की मरने की, बट उसके पास ना जैकेट थी बट वो बच चुका है भाई। ये लोग मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, बोले ना भाई आप स्टार बन चुके हैं, मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब बढ़िया वाला काम कर दिया है
यार ये तो गाइस मतलब मेरे पास हाईटेक वेपन था, बट चलो यार माइकल ने यार प्रेसिडेंट की जान बचा ली। बट मुझे नहीं लग रहा है प्रेसिडेंट जिंदा रह पाएगा, क्योंकि ना उसकी ज़्यादा ही गोली तबीयत खराब मतलब लग रही थी, देख रहे हो नीचे उसको उठना भी नहीं आ रहा था, उसको उठा के ले जाना पड़ा। तो यार गाइस खतरनाक वाला गेम मतलब बढ़िया वाला है। ये एम्बुलेंस भाई देख रहे हो यहाँ पे सब कुछ था, बट भाई सबको तोड़ फोड़ रख दिया। देख रहे हो कितनी बड़ी ना सिक्योरिटी मतलब इसकी थी यार, देख रहे हो भाई स्वैट की बंदी तक मार दिया, देख रहे हो। ये देखो यार मतलब भाई लॉस सैंटोस भी सेफ नहीं रहा भाई, मतलब देख रहे हो अभी फुल सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी यार। मुझे लग रहा है ना अभी गाइस प्रेसिडेंट की मैंने जान बचाई है, तो यार मुझे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए भाई। ये लोग पुलिस वाली तारीफ तो कर रहे हैं वैसे मेरी, एंड यहाँ पे सारे पुलिस के लोग मर चुके हैं यार, ये क्या गुमटी पुलिस है भाई। भाई इससे बढ़िया तो मेरी NSG सिक्योरिटी है भाई, जो कि मेरे को तो बचा के रखती है, मतलब हेलीकॉप्टर से अटैक करती है। बट यार ये अटैक तो गाइस चलो कोई बात नहीं गाइस, हम लोग फटाफट से निकलते। यार ये बेनी है ना यार, ये बेनी भाई तू मैं छुप गया था यार, ये तो भाई ये तो ज़्यादा ही शानी बनता है, मुझे लगा ये मर गया होगा, बट ये तो गाइस भाई भाग चुका था। चलो अरे टायर गाड़ी का पंक्चर हो चुका है यार, मैंने अभी गाड़ी की सर्विसिंग कराई एंड इसको रिपेयर करवाया एंड मैं इसको चलाया तक नहीं। और ये देखो गाइस यार ये हो क्या आ रहा है, अपनी लैम्बोर्गिनी सियान अपने घर पर कब आएगी, मतलब मेरे गैरेज में मैं इसको पार्क ही नहीं किया अभी तक, जब से इसको बाय किया हूँ भाई, मतलब जब से मैंने ख़रीदा है इसको जब ही चोरी हो गया। एंड अभी यार मैं इसको देख रहा अभी टायर पंक्चर हो गए, मतलब इसको अभी तक मेरे मेंशन पे मैं ले नहीं गया एक ही बार। यार ये क्या हो रहा है अपने साथ लैम्बोर्गिनी सियान, मतलब अपने घर आ ही नहीं रही यार। एक काम करते बेनी देखिए गाड़ी चलने तो वाली है नहीं, तो एक काम कर अपना ट्रक लेके ना अपने सर्विस वाले बंदों को बुला के इसको ना टाओ करके लेके चले जा, और यार मैं यार एक आधी गाड़ी पकड़ के लेके जाता हूँ, ठीक है ना बेनी, इसको टॉ कर लें एंड ना एक ट्रक में मतलब जाके कर लें यार, इसको वैसे ना और गाड़ी ख़राब हो जाएगी यार। चलो यार मेरे को अकेले निकलना पड़ेगा, क्योंकि ना यार ये गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, यानी वो गाड़ी का चलने वाली तो नहीं है, अब फिर से ना रिपेयर करने के लिए यार बेनी के पास ही जाना पड़ेगा, टायर ही पंक्चर हुआ है वैसे। बट चलो कोई बात नहीं यार, मतलब इतना बड़ा वाला ना धमाका हो चुका है लॉस सैंटोस में यार, मैंने सोचा नहीं था यार ये वाला ना भाई ऐसा सीन होगा लॉस सैंटोस में, बट चलो कोई बात नहीं। अभी ना फटाफट से हम लोग निकलते हैं हमारे ना गाइस निकलते हैं लोकेशन की ओर, और यार गाइस फटाफट से देख के आगे का क्या सीन है यार। अभी यार हमारी जो लैम्बोर्गिनी है ना मतलब क्या ही बोले, तो चलो फटाफट से हमारी लोकेशन जो है ना उस पर निकल जाते हैं, हमारे जो मैंशन है प्ले बाय मैंशन वहाँ पर ही निकलते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन है। ऑल राइट गाइस यहाँ पे ना मैं आ चुका हूँ हमारे सीक्रेट बनकर पे, आपको पता है मैंने ट्रेवर को इधर बंद करके रखा था, बट यार ट्रेवर यार गाइस चलो आप लोग के बोलने पे उसको हम लोग छुड़ाने वाले हैं, मतलब उसको जेल से ना बाहर निकालने वाले, क्योंकि आप लोग ने बोला था कि यार उसको ना निकाल दो, मतलब वो आपका फ्रेंड है ना उसको आपने ज़्यादा ही मार दिया, मतलब यार उसने मेरे साथ धोखा तो दिया बट उसको एक चांस देना ज़रूरी है, क्योंकि उसने मेरी हेल्प भी की थी यार प्ले बॉय मेंशन, और ना बहुत सारा हमारा जो क्रूज़र सबसे ख़तरनाक दुश्मन था भाई, ये तो डगन से भी ख़तरनाक था, मतलब वो डगन के अंदर ही काम करता था, बट वो ना ज़्यादा ही पावरफुल बंदा था, बट उसको हमने मार दिया है वो भी ट्रेवर की हेल्प से। चल यार रेड निंजा फटाफट से ना ड्राइवर का अंदर है क्या, ये बोल रहा चलो ड्राइवर को दिखाता हूँ, चल यार फटाफट से चलो अंदर। और ड्राइवर को ना भाई देखते हैं क्या सीन है, अभी उसको बोलते यार उसको ना हमने बहुत देर से जेल में बंद करके रखा है, फट अभी जाके ना इसको निकाल देते हैं भाई, देखते हैं अभी इतने दिनों के बाद ना इसको कब से बंद रखा है, 4-5 दिन हो गया अभी यार, वैसे काम करेगा तो भाई उसको वैसे भुगतना तो पड़ेगा ना वैसे, बट चलो यार उसको ज़्यादा ही हमने बहुत ज़्यादा ही पीटा था, आपने पिछला एपिसोड देखा होगा और क्या ही बोले। और गाइस इसको ना हम लोग चल यार ड्राइवर सॉरी रेड निंजा बता दे रेड गेट खोल दे भाई, ये तो सो रहा है भाई, एंड रेड निंजा बोल रहा है यार ये बंदा ना ज़्यादा ही घान करता है, मतलब क्या ही बोले, सर्विसिंग मतलब इसके हमको हर रोज़ करनी पड़ रही है दिन की भाई, ये ड्राइवर क्या कर रहा है भाई, टॉयलेट तो दिया है ना यहाँ पर। रेड निंजा बोल रहा है इसको फटाफट से ना तुम बाहर निकालो, ये बंदा कुछ ज़्यादा ही पागल है, एंड यहाँ पर ये देख रहे हो ये भाई इसका मैं नाम भी नहीं ले सकता, ये बंदा कहाँ करने के बजाय इधर कर रहा है यार, ये तो गलत है, इसको खाना भी दिया है भाई, इसको फटाफट से ना बाहर निकालना ही पड़ेगा वैसे। चलो यार आपने सही कहा इसको ना बाहर निकालना पड़ेगा, वरना ये ना भाई खुद भी पागल हो जाएंगे, एंड जो भी यहाँ पे गार्डिंग कर रहे हैं ना ये लोग भी भाई स्मेल से पागल हो जाएंगे। तो चल यार ट्रेवर अभी तेरा ना
इसको खोल देता है, उठ जा फटाफट से। ये बोल रहा है ताली बजा रहा है, ये बोल रहा है देख यार तूने मेरे साथ धोखा किया। यार मैंने कहा धोखा किया भाई, तू डगन से मिल रहा है, मेरी कार चुरा रहा है, मैं धोखा कर रहा हूँ। ये बोल रहा है चल ठीक है मैं निकलता हूँ, मेरा काम पे निकलता हूँ। भाई इस पे ना मुझे नज़र रखनी पड़ेगी, ये बंदा मेंटली मतलब बिल्कुल ही ना सही नहीं है, ये इसका दिमाग में जो आया ये करता है। इसको ना सिर्फ पैसा चाहिए भाई, ठीक है ना भाई। तो यार चलो कोई बात नहीं गाइस, इसको ना मैंने रिलीज़ तो कर दिया हूँ, अब ये जा रहा है पता नहीं। अभी ये उसने मुझे अभी तक एक बात नहीं बताई, इसने ट्रेवर जो डगन वो उसको धोखा क्यों दिया। इसने सारी लोकेशन बताई मुझे क्रूज़र एंड डगन की, बस इसने मुझे ये नहीं बताया कि उसने उसको धोखा क्यों दिया, जबकि वो उसके लिए इतना काम कर रहा था, इतना उसको पैसा दे रहा था। बट ये बंदे ने भाई ये देख रहे हो ठोक दिया भाई। अरे भाई यार क्या बनता यार, मतलब देख रहे हो यार ये तो सही नहीं है, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना भाई। भाई गाड़ी से ठोक दिया भाई उसने मुझे, उसने एक बात नहीं बताई उसने डगन बॉस और क्रूजर को धोखा क्यों दिया एंड उसको मरवा क्यों दिया और उसने मेरे से मिला क्यों। वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, धोखा नहीं देना चाहता हूँ। भाई ये बात ना मुझे हजम नहीं हुई, बट चलो कोई ना, उसके पीछे मुझे जासूस वाले बंदे छोड़ने पड़ेंगे एंड उसका नाम को सारा सीक्रेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि ना हम लोग उस पर अभी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये भरोसे वाला लायक बंदा नहीं है। फ्रैंकलिन पे हम लोग कर सकते हैं, बट ये बंदा ना ज़्यादा ही सच की है। तो यार अब मैं एक बार मेरा गोल्ड देख देता हूँ कितना गोल्ड बचा है अभी ना, इन सांप की पेमेंट कर करके ना भाई मेरे जेब खाली हो चुकी है। अभी हमारे पास इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी हो गई ना, एनएसजी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ही महंगी है एंड फिर मोन्स्टर सिक्योरिटी भी ज़्यादा ही महंगी हमारी, और गाइस हमारी एसपीजी सिक्योरिटी जो मिस्टर के ने हमको प्रोवाइड की है, और रेड निंजा वाली सिक्योरिटी। अभी ना गाइस पैसा ख़त्म हो चुका है, अभी हमको रोबरी करनी पड़ेगी आगे जाके। अभी वैसे हमारा बिज़नेस तो खुलने वाला है, बट अभी बिज़नेस के लिए ना पैसा चाहिए, इतना सोने में काम नहीं चलने वाला है। अभी सारा का सारा गाइस पैसा हमारे पास तो पड़ा है, बट सब कुछ मेंटेन करने में ना भाई पैसा लगता है। सो यार चलो यार, हमारे यहाँ पर हैकर गर्ल भी काम कर रही है एंड उसको भी पेमेंट करना है, और उसके बिना पेमेंट गेमेंट करने वाले हम लोग। फिर यार उसका ना भाई बढ़िया वाला काम चल रहा है, सारी की सारी सबकी लोकेशन वो निकालने वाली है। फिर गाइस हम लोग देख लेते हैं क्या क्या लोकेशन चल रही है एंड ना इसने बढ़िया बढ़िया हमको ना क्रूज़र की लोकेशन निकाल के दी थी। चलो यार ठीक है, इसकी भी पेमेंट हम लोग करने वाले हैं एंड अभी ना पैसा भी हमारे पास बहुत ज़्यादा ही पड़ा है, तो देखते हैं हमारे पास कैश कितना है। अभी रेड निंजा को मैंने सारी ना कंट्रोल दिया है कि यार सारा का सारा पैसा जो है ना भाई तू ही कंट्रोल कर। तो देख रहे हो यहाँ पे हमारा ऑफिस है ना, जो हमारा बनकर है, बनकर के अंदर ना सारा का सारा मैंने इधर ही पैसा रखा है एंड यहाँ पे रेड निंजा पे मैं भरोसा कर सकता हूँ। बाकी जो सिक्योरिटी है ना उस पर हम लोग भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिक्योरिटी ना भाई ज़्यादा ही भरोसे लायक है। तो कोई बात नहीं यार, इनको ना ये इसलिए मैंने ये वाला जो बनकर है इनको मतलब रखवाली के लिए दिया है, क्योंकि मैं सिर्फ यही वाली सिक्योरिटी पर भरोसा कर सकता हूँ। वैसे एनएसजी भी बढ़िया है, बट ना गाइस निंजा सिक्योरिटी पर ज़्यादा भरोसा कर सकते। तो चलो यार फटाफट से ना मुझे निकलना पड़ेगा इस सीक्रेट बनकर से, और हमारे प्लेबॉय मेंशन पे जाते हैं और फिर ना वहाँ पे कुछ जुगाड़ करते देखते हैं। और अपना जो आगे का काम है ना भाई चोरी गिरी का, भाई क्या चोरी करनी है, पैसा के साथ लेस्टर से एक बार बात कर देंगे, बट उससे पहले हमको हमारे प्लेबॉय मेंशन पे जाके ना एक बार सब कुछ चेक करना पड़ेगा। चल यार हमारे पास अभी कार तो है गाइस, बट वो मेली भी मेंशन पे तो मैं दो दिन से गया नहीं हूँ, आपको याद ही होगा आपने देखा यहाँ तक तो मैं गया ही नहीं हूँ। तो यार क्या ही बोले, तो सारे के सारे बंदे ट्रेवर लिख देना, ये तीसरा चेक पॉइंट है वीडियो का, ट्रेवर लिख देना एंड सब कुछ एक के नीचे एक लिखना, 1 2 3 नंबर सीरियल टाइप के लिखना, फिर ही आपका मैं शॉर्ट आउट दे पाऊँगा। और वीडियो को 1000 लाइक ज़रूर कर देना एंड अपने सारे वीडियो में शेयर करना और सारे फुल वीडियो वॉच करना। तो यार चलो अब लोग हम ना अभी लोकेशन में निकलते हैं हमारे प्लेबॉय मेंशन पर, और देखते हैं आगे का क्या सीन है। मुझे लग रहा है प्लेबॉय मेंशन पर सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और आगे की प्लानिंग करते हैं चोरी की एंड कहाँ चोरी करना है क्या नहीं करना है, एंड हमारे जो हैकर से इन्फॉर्मेशन तो हमने दे ली है वो आपको आगे जाके पता चल जाएंगी। बट चलो यार इधर से ना फटाफट से देखें, यो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं हमारे प्लेबॉय मेंशन पर। सो यार चलो फटाफट से ना देखते हैं हमारे मेंशन पे क्या चल रहा है। और ये देखो भाई, भाई यहाँ पे हमारे फैंस आ गए क्या भाई, हमने प्रेसिडेंट की जान बचाई ना भाई, ये लोग मेरे फ़ोटो खींचने के लिए यहाँ तक आ गए भाई, ये मीडिया वाले भाई यहाँ पे आ चुके हैं एंड एक सेकंड ये मेरी फ़ोटो खींच रहे हैं ना भाई। यार ये तो भाई मैं फेमस हो गया हूँ यार, मतलब यार ये तो कहीं बढ़िया चीज़ है, मतलब
भाई ये लोग बता रहे थे भाई न्यूज़ में बता रहे कि भाई कैसे माइकल ने प्रेसिडेंट की जान बचाई। यार ये तो गाइस एकदम ना भाई मतलब बढ़िया चीज़ हो गई है। मतलब मैंने ये सोचा नहीं था कि ये ऐसा हो जाएगा भाई। मैं तो भाई माफिया हूँ भाई, बट मैं तो हीरो बन गया यार। मतलब चलो ठीक है यार, जो हो रहा है ना भाई बिल्कुल सही है भाई। किस्मत देख रहे कहाँ लेके जा रही है। मतलब माफिया बनने गया था बट हीरो बन के निकला हूँ। बट यार चलो भाई अभी ना बहुत ज़्यादा ही टाइम हो चुका है। एंड ना भाई साहब ये बोल रहे हैं कि देखो यार एक और पोज दे देते अच्छा वाला। यार देखो भाई मेरे को ना बढ़िया वाली आदत थी ये पोज देने की। तो मैं बोला यार बाद में मिलता हूँ। एंड मुझे ना बहुत सारे काम करने हैं हमारे बिजनेस के रिलेटेड, और भाई चोरी भी करनी जो इनको मैं बता नहीं सकता। ठीक है ना, इनको बता दिया तो भाई फिर मैं चोरी तो कर ही नहीं पाऊँगा। एंड अभी लग रहा है पूरे लॉस सेंटर्स ने हमको जान लिया मैं कौन हूँ, बट चलो कोई बात नहीं। एंड एक सेकंड मुझे ना किसी की गाइस कॉल आ रही है, मैं एक सेकंड में किधर कॉल उठा लूँ। भाई मुझे अभी एक कॉल आई थी एंड वो ना मिस्टर प्रेसिडेंट की कॉल थी, और वो बोल रहे कि यार देखो मैं तो ठीक हो गया हूँ और मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ एंड सब कुछ रेडी रखना, बढ़िया वाली पार्टी करेंगे। यार भाई साहब पार्टी करेंगे भाई, ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा है भाई। देख सुन भाई अभी ना प्रेसिडेंट आने वाला है, पूरी सिक्योरिटी टाइट कर दो और जितना भी सामान लगता है ना सब कुछ भाई पार्टी करेंगे। एंड वो बोल रहे हैं ना हम लोग 200-300 लोग आने वाले। भाई साहब भाई 200-300 लोग, भाई मजाक तो नहीं कर रहा है ना प्रेसिडेंट है भाई, पूरा अपने पॉलिटिक्स को लेके आ रहा है। यार नितिन जी हमें सभी को सभी तैयारी करनी पड़ेगी यार फटाफट से, हमें कहीं सारी की सारी तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है ना कहीं हम लोग फटाफट से मार्केट जाते हैं, जितने भी चीज़ें लगते हैं भाई सब कुछ अरेंज करना पड़ेगा। सो यार चलो यार फटाफट से ना हम लोग अरेंजमेंट कर लेते हैं प्रेसिडेंट की आने की, फिर देखते हैं क्या सीन है। फिर रात में होने, रात में आने वाला है प्रेसिडेंट। तो चलो यार अभी ना कहीं सब कुछ हमको अरेंज करना है भाई, सब कुछ मतलब हर चीज़ अरेंज करनी है। सो यार चलो रेडी जब हो रहा है मैं तो रेडी हूँ यार, फटाफट से ना सारे के सारे चीज़ें अरेंज कर लेते हैं। ठीक है यार कोई बात नहीं। मतलब भाई प्रेसिडेंट आ रहा है तो क्या ही बात है मतलब। सो ऑल राइट गाइस हमारी सारी तैयारी हो चुकी है और मैं इतना लेट हो चुका हूँ ना यार, मार्केट में इतना टाइम लग गया कि मैं क्या ही बोलूँ। एंड मुझे पता चला है कि प्रेसिडेंट तो मेरे घर आ चुका है भाई। यार मैं ही लेट हो गया मेरे ही घर पर और प्रेसिडेंट तो आ भी चुका है, बट चलो कोई बात नहीं, लग रहा है अभी अभी आए। सो यार देख रहे हो यहाँ पर ना प्रेसिडेंट के फैमिली वाले लोग और जितने भी पॉलिटिशियन वाले लोग हैं ना ये भी आए हुए हैं। यार चलो इनसे ना प्रेसिडेंट से भाई फटाफट से उसका वेलकम तो कर देते। यार लग रहा है अभी अभी आया है एंड वो मेरे को ढूंढ रहा था। प्रेसिडेंट कहाँ गए भाई? ये रहा भाई प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी देख रहे हो भाई, फुल इसकी कौन सी सिक्योरिटी पता नहीं। चलो यार प्रेसिडेंट साहब आ जाओ फटाफट से ना, मैं आपको मेरा मेंशन दिखाता हूँ भाई। ये मेरा ही मेंशन है, वरना ये बोलेगा भाई कागज़ दिखाओ, भाई कागज़ दिखाओ तो फिर मेरे पास तो ठेंगा मिलेगा। तो चलो यार आ जाओ फटाफट से प्रेसिडेंट साहब, आपको ना मेरा मेंशन दिखाता हूँ, मैंने आपके लिए क्या क्या तैयारी कर रखा हूँ, इतने बढ़िया बढ़िया चीज़ें ऐड किया हो ना भाई। ये प्रेसिडेंट ने अपनी पूरी फैमिली एंड पूरा खानदान प्लस पूरा अपना शेयर लेके आ गया। मुझे लगा यार 100-200 लोग आएंगे, बट इतने लोग आ गए ना भाई पूरा मेंशन ही भर गया। बढ़िया हुआ कि मैंने ये वाले मेंशन पे बुलाया, वरना मेरे मेले भी मेंशन पे बुलाते ना भाई तो फिर तो भाई वो तो जगह तक नहीं रहती। मतलब भाई आधे लोग को तो रोड पे बैठना पड़ता भाई खाना खाने के लिए। बट चलो ये मैंने अच्छा किया ये वाले मेंशन पे भाई, बढ़िया वाले बड़े वाले मीटिंग हम लोग कर सकते हैं। सो यार चलो मैं प्रेसिडेंट को ये वाले ना हमारे इनसे मिलवा लेता हूँ, हमारे जो NSG सिक्योरिटी है ना, देखो हम लोग इनसे मिलवा लेता हूँ। चलो यार इनके पास ना भाई हाईटेक वीपन है, इसके बारे में ना पूछ ले यार ये हाईटेक वीपन्स कहाँ से आए, क्योंकि मैंने मिलिट्री से चोरी की है। मिलिट्री का बंदा बन के मतलब उनको पता ही नहीं मेरा चेहरा लास्ट एपिसोड में। तो चलो यार हम लोग ना फटाफट से, मैंने जो तैयारी कर रखी है ना भाई वो अपने पीछे वाले यार्ड में, मतलब सारी की सारी तैयारी हमने पीछे की है, तो प्रेसिडेंट देख के उसको खुश हो जाएगा और वहाँ पे हम लोग ख़तरनाक वाली पार्टी करने वाले हैं। सो यार चलो फटाफट से ना भाई साहब यहाँ पे प्रेसिडेंट की खुशी हम लोग देखने वाले हैं। मतलब यार देखो प्रेसिडेंट अगर मेरा दोस्त बनता है ना भाई, मेरे पास इतनी पावर आ जाएगी भाई, पुलिस तो छोड़ो भाई कोई मेरे को हाथ तक नहीं लगा सकता है। क्या पता मैं ही प्रेसिडेंट बन जाऊँ इसकी जगह, या मैं पॉलिटिशियन में भी आ सकता हूँ एंड मैं ना ख़तरनाक वाले इलीगल काम भी कर सकता हूँ, वो भी सीक्रेटली। एंड अपने पास पावर आ जाएगी, हम लोग किसका भी मुंह बंद कर सकते हैं, क्योंकि हमारा दोस्त ही प्रेसिडेंट है, तो क्या ही बोलूँ। तो यहाँ पर देख रहे हो मैंने ये वाला एक बंदा अरेंज किया है, जो एक सिल्वर मैन है, जो कि भाई देख रहे ऐसा कुछ करते रहता है। ये मैंने स्ट्रीट से उठवा के लाया था, मतलब हम लोग घूम रहे थे
सो चलो यार, अभी हम लोग ना थोड़ी सी अंधेरा लाइटिंग गिटिंग बंद कर देते हैं, सारी की सारी थोड़ी लाइटिंग बंद कर देंगे, फिर देखते हैं मजा है। बट पहले ना हम लोग इनको सारा का सारा हमारे जिसको बुलाए ना उनको दिखा देते हैं। सो यार मैंने प्रेसिडेंट को यहाँ पे सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ, एंड प्रेसिडेंट देख रहे हो ना, प्रेसिडेंट फुल खुश हो रहा है, मतलब बोल रहा है यार इतना बढ़िया तुमने अरेंजमेंट किया है इतने जल्दी। तो देखो इतने जल्दी अरेंजमेंट हो जाता है भाई, जब पैसा होता है ना भाई हर चीज़ हो जाती है। तो यार चलो यार, प्रेसिडेंट बोल रहा है मुझे चाय पीनी है, कॉफ़ी पीनी है। चलो यार कॉफ़ी का भी इंतज़ाम कर रखा है। और यहाँ पे कुछ यार ये लोग ना यार कैसे कैसे लोग आ जाते हैं यार, ये देख रहे कैसे लोग इन्होंने इन्वाइट किया भाई, ये इसके फ्रेंड है क्या भाई, ये प्रेसिडेंट के लोग हैं, मतलब ये उन्होंने बोला था भाई ये देख रहे हो इतनी पहलवान है भाई, ये क्या है भाई, भाई इससे पंगा नहीं लेना पड़ेगा, ये सारे के सारे पॉलिटिशियन वाले लोग हैं। इतने सारे गेस्ट आए ना मेरे को भाई, अभी देख के रहना पड़ेगा भाई यहाँ पर, क्योंकि ना ये लोग में से अगर कोई सिक्योरिटी मैंने फुल टाइट कर रखी है, वैसे तो सब कुछ हम चेक कर रहे हैं कौन घुस रहा है कौन नहीं आ रहा है, रेड निंजा सब कुछ संभाल रहा है हमारा, एंड हमारी एनएसजी सिक्योरिटी भी है। सो यार देखो मैंने इनको चाय तो दे दी है पीने के लिए, कॉफ़ी जो भी है। तो चलो यार अभी चाय पी लिया यार, प्रेसिडेंट को मज़ा आ रहा है बिल्कुल, अभी बोल रहे अभी हमको पार्टी करनी है यार, पार्टी के लिए आया है, चलो कोई बात नहीं पार्टी भी करवा देंगे यार, फुल वाला सब कुछ ना हमने अरेंजमेंट कर रखा है, डांस किल्स फुल डांस करने वाले। सो यार इस वाले वीडियो का चेक पॉइंट है प्रेसिडेंट, लिख देना भाई सिर्फ चार ही इस पर ना, सिर्फ चार ही हमने चेक पॉइंट रखे हैं भाई, सब कुछ सीरियल नंबर पर टाइप करना, एक ही कमेंट में चार चेक पॉइंट्स टाइप करना, फिर आपका नाम आएगा, क्योंकि ना स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है। तो चलो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और हम लोग अभी यहाँ पे पार्टी करने वाले हैं, और वीडियो में अभी बहुत कुछ बाकी है और मज़ा आएगा, लाइक ज़रूर करना एंड वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना, सब्सक्राइब तो आप करते नहीं हो। तो यार प्रेसिडेंट को मैंने ये वाला ना ये भी दिखा दिया, ये मुझे खुद नहीं पता किया है, क्योंकि मैंने खुद ये वाला मेंशन परसों ही यार अटैक करके लिया है ढक्कन बॉस से, तो ये पूछ रहा है ये क्या है यार, ये मैं बोला कि यार ये देखो ऐसे मैंने बनाया वो डिज़ाइन के लिए, सो ये बोल रहा है ठीक है चलो कोई बात नहीं। एंड यहाँ पर ना ये देख रहे हो यार, एक सेकंड ये कुछ गलत चीज़ ना दिख जाए इधर, ये लोग क्या ही बोले, पार्टी में आते हैं ना ये लोग गाइस ज़्यादा ही गाइस, क्या ही कहे, जाने दो इनको छोड़ो। एंड फटाफट से ना डगन बॉस को भाई सॉरी हमारे प्रेसिडेंट पे ना इसको नचाते हैं थोड़ा सा, बोल रहे हैं पार्टी गिटी करनी है और भाई मज़े करने हैं, तो कोई बात नहीं मज़े भी करवा लेंगे। और हमारी यहाँ पे फुल एनर्जी सिक्योरिटी को मैं बोल देता हूँ यार रेडी रहो, यहाँ पे कोई अटैक ना कर दे। तो यहाँ पर पार्टी हो चुकी है शिरो गाइस, और यहाँ पे प्रेसिडेंट भाई फुल पी के ना भाई नाच रहा है, डांस कर रहा है भाई, यहाँ पे देखो भाई खतरनाक वाला ना डांस चल रहा है, तो आप लोग डांस देखो। एंड यहाँ पे ना गाइस सब लोग आए, यहाँ पे ट्रेसी भी आई हुई है, और यहाँ पे मैंने अमंडा को भी बोला है, अमंडा भी आई थिंक पीछे ही है, बट यहाँ पे चलो यार फुल डांस हो रहा है एंड फुल पार्टी हो रही है, एंड हम लोग फाइनली गाइस बन चुके हैं प्रेसिडेंट के दोस्त, एंड मुझे अब आगे का देखना है क्या करना है क्या नहीं। यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ नजर आ रही है, जल्दी से आ जाओ। कैसी गड़बड़? कुछ लोग यहाँ राइफल एचके M20P7 लेकर आ रहे हैं। वेट करो मैं आ रहा हूँ वहाँ। Yeah!